दोस्तों हमें बहुत सारी बार हिंदी में टाइप करना होता है, लेकिन जब हिंदी में हमें टाइप करना रहता है तो टाइपिंग थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगता है। लेकिन ये देखिए, नमस्कार दोस्तों, यहां पर मैं आपके साथ कुछ बोल रहा हूं और वो टाइप हो रहा है। तो अभी जैसे मैंने यहां पे आपको दिखाया कि मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे टाइप होते जा रहा है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये कैसे करना है अगर आप नहीं जानते तो चलिए वीडियो पूरा देखिए। मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे और आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने गूगल वेबसाइट विजिट की है क्रोम के अंदर। क्रोम ब्राउजर के अंदर ही ये टूल चलता है। ये टूल्स यानी कि यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपको इंस्टॉल नहीं करना है और ये बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, गूगल में जाना है, गूगल क्रोम में वगैरह, उसमें सर्च करना है dictation.io, ये टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है। सिंपली यहाँ पे आपको कुछ लिंक दिखाई देगी, यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट पे आपको जाना है, dictation.io दिखाई दे रहा है। तो ये आपका ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्निशन टूल्स है जिसमें कोई सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, बस माइक कनेक्ट होना चाहिए आपके कंप्यूटर को। अगर लैपटॉप है तो ऑलरेडी माइक इनबिल्ट रहता है उसमें। सो dictation.io पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, आपको दिखाई दे रहा है एक वेबसाइट आ रही है आपके सामने और यहाँ पर एक बटन आ रहा है आपको लॉन्च डिक्टेशन। चलिए हम लॉन्च कर देते हैं। अब मैंने इसे लॉन्च कर दिया है, जो कि अभी आपके साथ कुछ बात की थी मैंने, वो यहाँ पे ऑलरेडी सेव है, मैंने उसे क्लियर नहीं की थी, तो अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर यहाँ से कर सकते हैं आप। ये जो आपको नोट पैड की तरह दिख रहा है, इसमें आपको आपका टाइप होके आने वाला है, जो भी मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था, मैं जैसे बोलूँगा वो टाइप होके आएगा। लेकिन उसके लिए करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए वो सिलेक्ट करना है, जैसे आप मराठी, हिंदी या फिर और कोई नेपाली वगैरह लैंग्वेज बोलते हो, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, गुजराती भी है, सो वो भी आप ले सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आपको लेना है, इंग्लिश भी ले सकते हैं आप, अगर आपको इंग्लिश में कुछ टाइप करना है तो यू कैन सेलेक्ट दैट। इंग्लिश इंडिया है क्योंकि अलग अलग कंट्री के अलग अलग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होते हैं, आपको पता ही है, तो उसके हिसाब से आप इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करोगे, आप जो भी बोलोगे यहाँ पे टाइप होके आने वाला है। फिलहाल तो हम हिंदी देख रहे हैं, भाई हिंदी भाषा कैसे टाइप होगी ये देख रहे हैं, तो हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको माइक्रोफोन इनेबल करना होगा, मतलब यहाँ पे पहली पहली बार अगर आप इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, मैंने तो ऑलरेडी किया है इसके इनेबल, इसे क्लिक करके अलाउ करना होगा, इसे क्लिक करके अलाउ कीजिए। ऑलरेडी मेरा अलाउ ही है इस वेबसाइट पर। और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट बटन है। अब स्टार्ट करने के बाद आपको क्लियर वॉइस में, मतलब हिंदी में प्रॉपर आवाज़ में माइक नज़दीक रख के बोलना है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करके एक सेंटेंस आपको बोल के भी दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो यहाँ पे स्टॉप बटन मैं करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है मैंने स्टॉप बटन किया, तो जैसे मैं स्टॉप करूँगा यहाँ पे टाइप नहीं होगा। इस जो टाइप किया है इसे आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन डू द लॉट्स ऑफ स्टॉप मोर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद डायरेक्टली आप वर्ड में वगैरह पेश कर सकते हैं। कॉपी किया मैंने, आई विल शो यू हियर, डायरेक्टली मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू करता हूँ एंड वर्ड के अंदर आप इसे डायरेक्टली पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल वी कीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो भी आपने वहाँ पे टाइप किया था, मतलब बोला था। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया तो आपको बस एक काम करना है, लाइक बटन पे क्लिक कर देना है। जल्दी से कीजिए, लाइक बटन पे क्लिक किया ना, वो टाइप होके आ रहा है, आपने कुछ भी नहीं टाइप किया, कीबोर्ड पे उंगलियां भी नहीं चलाई आपने, बस यहाँ पे बस माउस से दो तीन क्लिक किए और बस बोलते गए वो टाइप होते जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपका वॉइस प्रॉपर माइक को मिलना चाहिए तो ही वो प्रॉपर वर्ड टाइप करेगा, कहीं कहीं पे वो गलत वर्ड भी आ सकते हैं तो उसे आपको खुद से करेक्ट करना होगा। यहाँ पे सेव ऑप्शन दिया है, आप इस टेक्स्ट को डाउनलोड कर सकते हैं एज अ नॉर्मल नोट पैड फाइल करके, ये सेव हो जाएगा, पब्लिश कर सकते हैं ऑनलाइन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ईमेल भी कर सकते हैं और प्रिंट भी आप कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में यहाँ पे उसे सेव भी कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट के लिए जाएंगे, यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को PDF फॉर्मेट में सेंड करके किसी को मेल करना है सेव एज PDF, प्रिंटर है तो यहाँ पे प्रिंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं डेस्टिनेशन में और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती है, आपको बस लैंग्वेज चेंज करना है, जिस लैंग्वेज में बोलना है वो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, बात करनी है और दैट्स इट।
फिर वो रिकॉर्ड होते जाएगा। ये इंटरेस्टिंग टूल है। यहाँ पे इस टूल के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बिना किसी सॉफ्टवेयर का आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में हिंदी में टाइप कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, बोलने के बाद वो ऑटोमेटिक टाइप होगा। सो ये एक इंटरेस्टिंग कंप्यूटर टिप्स मुझे लगी, मैंने आपके साथ शेयर की। सो कैसे लगी दोस्तों ये टिप्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम बोल के मतलब हम बोलेंगे वैसे वो टाइप होते जाएगा। तो अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो बस आपने लाइक किया ही होगा, शेयर भी किया होगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा था ये टिप्स, आपके लिए नया था या पुराना था या पहले से जानते नहीं जानते थे, ये सब कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं पढ़ने में इंटरेस्ट हूँ, आपकी कमेंट ज़रूर कमेंट लिखिएगा। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो, चैनल के ऊपर और भी वीडियोज़ देखते रहो। बाय बाय।